बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, तेज कुवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारज सरी, मन चितव्या कारज सरी। श्री महामत कहिए साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज महाराणी साहिबा आपकी सदाई जय, महाराजा छत्र साल जो की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदाई जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साहिब जी, हम अपनी सुरता को श्री पांच पद्मावती पुरी धाम के अंदर लेके चलते हैं और श्री मंगला जी दरबार के अंदर अष्ट पहर की लीला के अंदर हम भी शामिल हो जाएं, है ना सुंदर साहिब जी। तो आइए सब अपने चित्त रति को श्रीजी साहिब जी के चरणों से जोड़े। श्रीजी का दरबार सुहाना लगता है, ओ श्रीजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ श्रीजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्णे, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्णे, अब तो ये संसार बिगाना लगता है, शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, और शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, श्री बंगला दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे
शेर जी ने आवाज लगाई, हम चले आए। शेर जी ने आवाज लगाई, हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए। ओ शेर जी ने आवाज लगाई, हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए। ओ निस्बत का बंधन पुराना लगता है, ओ निस्बत का बंधन पुराना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। श्री बंगला दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो सेवा शाकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपया तो कहया अमीरल मोमिन। अर्श की नीमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अर्ज करत है सामे होए तखत, सामे होए तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, महान बुद्धि के सागर आप महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लाल दास जी के हृदय में विराजमान होके अपनी अष्ट पहर की लीला का वर्णन का सुख आनंद स्वयं धाम के धनी दे रहे हैं। लाडले सुंदर साहब जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से धाम के धनी शिवजी साहिब जी बार बार अपने शाकुंडल की आत्म की महिमा गाते हैं, कि जो शाकुंडल ने सेवा की, जो शाकुंडल ने अपना तन मन धन कुर्बान किया धनी जी के श्री चरणों के अंदर, वो तो शब्दातीत है, वो शब्दों में आ ही नहीं सकता। हम शाकुंडल जी की महिमा कल सुन रहे थे लाडले सुंदर साहब जी, कि किस प्रकार श्री जी साहिब जी अमीरल श्रेष्ठ मोमिन का खिताब महाराजा श्री छत्रसाल जी को देते हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साहब जी महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि पहले दाता हम भये जो गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भये जो सब कुछ कियो बख्शीश। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी ने अपना शीश कमल जब धनी के चरणों में रख दिया और जब धाम के धनी दाता बने ना लाडले सुंदर साथ जी, तो शिवजी साहिब जी ने कहा छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। महाराजा छत्रसाल जी को श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि छत्रसाल जी आप सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे से लेके 6 बजे तक अपना घोड़ा दौड़ाओ और आप पन्ना की धरती के ऊपर जितना घोड़ा दौड़ाओगे आपकी धरती हीरा उगलेगी। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसी शाकुंडल की महिमा भरी पड़ी है, और जैसे ही घोड़ा दौड़ाया तो पूरी पन्ना जी की धरती आज तक हीरा उगल रही है, और इतने हीरे और कोई नूर तक श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की धरती से प्रकट हो रहे हैं सुंदर साथ जी। और शिवजी साहिब जी ने कहा था छत्रसाल, जब तक आपके वंशज आपके परिवार वाले मेरे पर श्रद्धा भावना रखेंगे, इश्क और ईमान कायम रहेगा, तब तक आपकी धरती हीरा उगलती रहेगी। और जब महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की बात कही कि धामधनी में आपकी पूरी सेवा करना चाहता हूँ,
तो शिव जी ने कहा अब तो पूरी धरती हीरा उगल रही है ना, तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा नहीं, ये तो आग का दिया हुआ है, हम तो दूसरे राज्य को अपने अधिकार में करके उसका चौथा हिस्सा सेवा के अंदर लगाएंगे। और ऐसे महाराजा छत्रसाल जी जो इश्क ईमान से परिपूर्ण, जो अपने धाम धनी के ऊपर तन से मन से और धन से कुर्बान, ऐसी शाकुंडल की आत्म की महिमा सिरजी साहिब जी अष्ट पहर की लीला में बार बार गा रहे हैं सुंदर साहिब जी। अब धाम के धनी स्वामी श्री लाल दास जी के हृदय स्थल में विराजमान होके कह रही हैं कि अर्श की नीमाज का आए पहुंचा बखत, कहते अब परम धाम की चितवनी का समय हो जाता है सुंदर साहिब जी। इस समय गोकुल दास जी तखत के आगे आकर प्रार्थना करते हैं, लाडले सुंदर साथ जी 5000 सुंदर साथ ने अपनी अर्जी भेजी है, अपनी प्रार्थना भेजी है। क्या प्रार्थना भेजी है? हमको इन खेल से सिताब काटो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहा न कोई काज। समझ सुंदर साथ कह रहे हैं कि हम सब सुंदर साथ को इस माया से हे धाम के धनी आप अति शीघ्र निकाल दीजिए, हमारी सारी इच्छाएं धाम के धनी अब पूर्ण हो चुकी हैं और कोई भी काम अब हमारा अधूरा नहीं रह गया। ए धाम के धनी, हमने ब्रज की लीला को भी देख लिया, रास की लीला को भी देख लिया, जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी हमने खेल देख लिया। ए धनी, अब तो आप अति शीघ्र हमें इस खेल के अंदर से निकालिए। श्री धाम धनी सुनत हैं ए बानी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत हैं कबूल। कहते धाम धनी के चरणों में इस समय सुंदर साथ ने अर्जी लगाई। क्या अर्जी लगाई? आइए हम भी दो चार लाइनें गाएं अर्जी की और हम भी अर्जी करें सिरजी साहिब जी के चरणों में। करें ना सुंदर साथ जी, आप सब बोलोगे ना। समस्त सुंदर साथ के बीच में श्री बंगला जी दरबार 5000 सुंदर साथ और गोकुल भाई अर्जी लेके गए हैं सिरजी साहिब जी के चरणों में, और समस्त सुंदर साथ सिरजी साहिब जी के चरणों में खड़े होके अर्जी करते हैं। क्या अर्जी करते हैं? अर्जी सुंदर साथ करी चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करी चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में होके खड़े, अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में होके खड़े। समझ सुंदर साथ ने ये अर्जी गाई और जैसे सिरजी साहिब जी ने गोकुल भाई की अर्जी को समझ सुंदर साथ की तरफ से सुना तो कह रही हैं, श्री धाम धनी सुनत हैं ए बानी जो मकबूल। कहते अक्षरातीत सिरजी साहिब जी तखत पर बैठी हैं और सुंदर साथ की ओर से हृदय से ये अर्जी की गई है और सिरजी साहिब जी ने प्रसन्न होके सुंदर साथ के द्वारा की गई इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अर्ज करी एक भात साथ ने, कई भात धनिये दिए सुख, खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठोर धंधन किए सरमुख। अर्ज करी एक भात साथ ने, कहते सुंदर साथ ने एक अर्जी करी कि हमें इस माया से सिताब काटो श्री राज। इस अर्जी को धनी ने इस प्रकार से सुख दिया कि परम धाम के सुखों की वाणी चर्चा करके और सुंदर साथ को परम धाम के 25 पक्षों के अंदर
धाम के धनी चितवनी के द्वारा सब आत्माओं के सुरता को आनंद दे रहे हैं। कहते खेल समेत बैठाई के धाम में, कहते हैं हमारे सुंदर साथ को इस खेल सहित बैठे, हम खेल में है ना, और खेल सहित हमें कान बैठा दिया क्योंकि हम खेल भी देख रहे हैं। तो ये खेल भी तो पर आत्मा वाले तन के अंदर है, हमारा पर आत्मा वाला तन तो मूल मिलावे के अंदर बैठा है ना सुंदर साथ जी। तो खेल सहित हमें कहां बैठा दिया, परम धाम के अंदर दौठौर धंधन किए सन्मुख, और कहते हैं परम धाम के सुखों का अनुभव करा के श्रीजी साहिब जी ने हमें यहाँ भी धंधन कर दिया और परम धाम के अंदर भी धन्य धन्य कर दिया। खास डाल तलवार जो दई पहले मुरलीधर, कोई दिन भिखारी दास कोई दिन गिरधर रहे पकड़। कहते खास ढाल तलवार जो, कहते तलवार रखने की सेवा, पहले मुरलीधर भाई लेके खड़े रहते थे तलवार, और उसके बाद भिखारी दास जी ने ये सेवा करनी शुरू करी, और उसके बाद गिरधर भाई ये सेवा कर रहे हैं। फिर दई लाल दास को संत दास खड़ा रहे, कबू दूजा भिखारी दास पीछे बुद्ध सहन करे। कहते फिर लाल दास जी महाराज तलवार लेके खड़े रहते हैं, फिर संत दास जी महाराज खड़े रहते हैं, और फिर भिखारी दास जी महाराज, फिर बुद्ध सेन जी, ये शिवजी साहिब जी की शोभा के लिए खड़े हैं सुंदर सर जी, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी एक सम्राट के रूप में सोने के चांदी के आभूषण पहन के इस समय साक्षात तखत पर विराजमान है। चाहे महाराजा छत्रसाल जी भी हैं, चाहे इस समय में समस्त सुंदर साथ भी हैं, फिर भी महाराजा छत्रसाल जी ने शिवजी साहिब जी की शोभा के लिए ये सुंदर साथ को हथियार देके भी खड़ा किया हुआ है ना। सूरत सिंह राखत तरकस तीर कमान, बच्ची गन श्याम राखत करे खिजमत रहमान। कहते सूरत सिंह जी है ना जो, वो धनुष और बाण रखते हैं और घनश्याम जी बर्छी रखते हैं। इस प्रकार धाम धनी की सेवा ये सुंदर साथ कर रहे हैं। श्री बाई जी पटे देते हैं हाथ मकरंद के, सिर जी के वास्ते भूक्षण लियावत नित ए। श्री बाई जी राज महारानी साहिबाना मकरंद भाई के हाथ शिरजी साहिब जी के लिए आभूक्षण भिजवा देती हैं, और मकरंद भाई वो आभूषण लेके श्रीजी साहिब जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। रखे भी रूपे की भर लाए भूषण, महाराजा पहनावत लिए पकड़े हाथ मोमिन। कहते रखे भी मीन्स होते प्लेट, चांदी की प्लेट भरी हुई आभूषणों से इस समय में मकरंद भाई लेके आए हैं, और महाराजा छत्रसाल जी के हाथ में दे देते हैं, और महाराजा छत्रसाल जी अपने ही हाथों से शिवजी साहिब जी को आभूषण पहनाते हैं। आभूषण क्या क्या पहना रही हैं उनका भी दर्शन कीजिए। माला दो मोतियन की उत्तरी कंचन, दो सांकली सोने की झलकत हीरा रोशन। वे शिव जी के गले में दो मोतियों की माला तथा एक सोने का हार पहनाते हैं, और सोने की दो जंजीरें पहनाते हैं, चैने पहना देते हैं, और जिनमें जड़े हुए हीरे झंझरकार कर रहे हैं सुंदर साहब जी। दुगदुगी दो जड़ाव की करे मानिक ज्योत अपार, महाराजा पहनावत ताको क्यों कहूं शुमार। कहते दुगदुगी जड़ाव की, कहते महाराजा छत्रसाल जी सिर जी के गले में नंगों से जड़े हुए दो दुगदुगी वाले जो ये मालाएं पहनाई है ना, सोने की चैने पहनाई है ना, उनमें दुगदुगी जड़ी हुई है, वो लॉकेट पहना दिए हैं, और जिनमें जड़े हुए मानिक इतनी ज्योति निकल रही है, उस लॉकेट में से इतनी ज्योति निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चंद्रहार जलकत चमकली से नूर, और शिवजी साहिब जी के गले में चंद्रहार इतना सुंदर लग रहा है, चमकली का हार सुंदर लग रहा है। कंठ में कंठी सोए सो क्यों कर कहूं जहूर, और कंठ के साथ तुलसी की कंठी पहनी हुई वो इतनी सुंदर लग रही है। मोतियन की कंठी बनी तले मोती ऊपर मानिक, कहते मोतियों की कंठी बनी हुई है, पहले नीचे एक मोती फिर मानिक,
फिर एक मोती फिर एक मानिक, चौखुना सोने मड़ो सोबित कंठक। कहते हैं उसके अंदर चौरस एक सुंदर लॉकेट भी है चैन के अंदर, तो वो सुंदर लॉकेट भी इतना सुंदर लग रहा है। गिरद चंद्रिका कमल जो हो लटकत पाक ऊपर, सिरे मोती लटकत धरे जोत सिरे पर। कहते पाग के ऊपर चंद्रिका लटक रही है और चंद्रिका में मोती लटक रहे हैं और हीरा झलझल कार कर रहे हैं। महाराजा पहनावत पहुंची बांधी इन ठाम, हीरा मानिक जलकत महाराजा का काम। महाराजा छत्रसाल जी ने शिवजी साहिब जी के हाथों में पहुंची भी बांध देते हैं और जिसमें हीरा और मानिक जलजलकार कर रहे हैं। और महाराजा छत्रसाल जी की ये विशेष सेवा रहती है सुंदर साहब जी। और अंगुरी मुंदरी आगे सब धरी, माफक बैठत अंगुरी सो अंगीकार करी। तो कहते हैं शिव जी की सभी उंगलियों में महाराजा छत्रसाल जी ने अंगूठियां पहना दी है और जिस उंगली में जो अंगूठी ठीक आती है पूरी आती है उसको पहना देते हैं। और श्री छत्रसाल जी की ये सेवा शिवजी साहिब जी स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, शिवजी साहिब जी को तो कोई शौक नहीं है क्या पहनने का, ये सोने के वस्त्र आभूषण है ना, ये इतने सारे हार पहनने का, इतनी सारी अंगूठियां पहनने का, क्योंकि वो तो फकीरी भेष सो लाग्यो प्यार, उनको तो प्यार हो गया था फकीरी भेष से। लेकिन ये सब क्यों पहन रही हैं? ये महाराजा छत्रसाल जी की खुशी के लिए पहन रही हैं, ताकि महाराजा छत्रसाल जी को जिस सेवा के अंदर खुशी मिलती है, महाराजा छत्रसाल शाकुंडल की आत्म अगर मुझे श्रृंगार सजा के मुझे आभूषण पहना के खुश होती हैं, क्योंकि शिवजी साहिब जी तो किसी बात से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो अक्षरातीत धाम के धनी हैं। लेकिन शाकुंडल को लगता है जब मैंने कहा ही है कि सात सकल के बीच में जुगल धनी बैठाए, तुम हो साक्षात अक्षरातीत हम चीने तुम्हें बनाए। जब मैंने कहा ही है कि मैंने सारे सुंदर सात के बीच में साक्षात राज श्यामा जी को पधराया है, तो मेरा दिल करता है उनकी सेवा भी मैं वस्त्र आभूषण बिल्कुल वैसे ही पहनाऊं जैसे राजी श्यामा जी ने परम धाम के अंदर पहने हुए हैं, है ना सुंदर साहब जी। श्री महामत के मोमिनो एक चौथे पैर की विरत, अब कहो और पांचवा सुनियो तन मन हेत। के महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साहब जी, ये चौथे पैर की पूरा वर्णन करके सुनाया, अब पांचवें पैर का वर्णन कर रहे हैं, सुनियो तन मन हित। तो कहते अपने तन को बिल्कुल सीधा बैठा दो धनी के चरणों में और मन को तकले की तरह सीधा कर लो, है ना। और फिर धाम धनी के ये जो महारस है अष्ट पैर लीला का, वो श्री बंगला जी के अंदर साक्षात बैठ के आनंद लीजिए सुंदर साहब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बंगला दरबार की जय। पांचवा पहर अब कहो पहर पांचवा आया जब बखत, हुआ समय बैठने का ऊपर इन तखत। कहते अब पांचवें पहर का वर्णन सुनिए, छह से नौ बजे का समय हो गया सुंदर साहब जी और शिवजी साहिब जी का तखत के ऊपर बैठने का समय हो गया। लच्छो अर्ज करते हैं राज पधारो कौन घाट, श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाठ। लच्छो भाई ने अर्जी करी कि शिवजी साहिब जी आज हमें कौन से घाट पे जाना है, तो शिवजी साहिब जी ने कहा जिस दिन हम खेल में आए थे ना उस दिन हमें पाठ घाट पे जाना था और आज एकम का दिन है और आज एकम के दिन हम समस्त सुंदर साथ को कहां जाना है, पाठ घाट पे जाना है। जो एक लाइन में कहते हैं और दिन एकम दा आया ए, दिन एकम दा आया ए, डेरा मेरे धाम धनी पाठ घाट उते लाया ए, ओ
पाट घाट उते लाया। कहते हैं एकम का दिन है और आज के दिन तो हमारे धाम धनी हम सब आत्माओं को लेके श्री जमुना जी के पाट घाट के ऊपर समस्त आत्माओं को लेके पधारते हैं। तखत बिछोने होते हैं बिछावत बिहारी दास, तलाई ओछाड़ सूजनी तकिये धरे मखमली खास। कहते इस समय बिहारी दास जी ने तखत के ऊपर बिछोने बिछा देते हैं और वे तखत के ऊपर रुई का गद्दा है ना वो बिछा दिया और फिर उसके ऊपर पतली चद्दर बिछा देते हैं और फिर ओढ़ने के लिए एक चद्दर रख देते हैं और सिराने रख देते हैं जो इतने कोमल है, मखमली है, मखमल जैसे कोमल कोमल तकिए सिरजी साहिब जी के तखत पे रखे हैं। एक जोड़े तखत के गादी बिछोने होए, चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। कहते श्री राज जी के तखत के बगल में दूसरा तखत श्री बाई जी राज जी के लिए भी लगा दिया जाता है और उसके ऊपर भी गादी और तकिए बिहारी दास जी रख देते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, आरोगने की मीठी बातें करत। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी राज महारानी साहिब आती हैं और भोजन प्रसाद के लिए आके अर्जी करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं श्री जी साहिब जी के साथ। सुंदर साहब जी आज भी आप सुंदर साथ में थाल बनाया होगा है ना श्री जी साहिब जी के लिए, आप समस्त सुंदर साथ श्री जी साहिब जी को इस समय भी पूरा थाल अर्गाना अच्छे से जो जो चीजें आपने भोग में रखी हैं वो बाईजू राज महारानी साहिबा को देते जाना। श्री बंगला जी दरबार के अंदर बैठ के श्री जी साहिब जी अभी भोजन प्रसाद लेंगे, शाम वाला भोजन है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी आप भी चितवनी करना, ध्यान करना। इत थार अरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। इस समय थार अरोगने के लिए बाईजू राज महारानी साहिबा सुखपाल में बैठ के आई हैं और मथुरी और हिम्मत बाई क्या लेके आई हैं, सब्जी की कटोरियां थाल लेके आई हैं। श्री महाराजा बाई जी बैठत और गावने थाल। श्री महाराजा छत्रसाल जी एक साइड में बैठ गए हैं और दूसरे साइड में श्री बाईजू राज महारानी साहिबा बैठ गई हैं और सिरजी साहिब जी को थाल अर्गाया जा रहा है। हाथ पखालत प्रेम सो मानिक सेवे खुशियाल। कहते मानिक भाई इस समय सिरजी साहिब जी के हस्त कमल धुला देते हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ। हाथ पोछने को दिया रुमाल श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल जी ने सिरजी साहिब जी को हाथ पोछने के लिए रुमाल पकड़ा दिया। एक मुंह आड़े अपने बांध के अर्गावत श्री राज, और महाराजा छत्रसाल जी ने एक रुमाल अपने मुखमंडल के ऊपर बांध लिया। आज भी हम देखते हैं ना सुंदर साहब जी, हम थाल भोग बनाते हैं या पुजारी लोग भोग लेते हैं या अंदर भोग लगा रहे होते हैं तो सुंदर साहब जी मुंह के ऊपर एक रुमाल बांधा होता है। क्यों? क्योंकि बात करते हुए कोई थूक ना गिर जाए। हम भी थाल भोग जब बनाए और जब थाल भोग अंदर रखने के लिए जाए ना सुंदर साहब जी तो हमारे मुंह के ऊपर भी एक रुमाल बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि थाल भोग लगाते समय बात भी नहीं करनी चाहिए, थाल भोग लेके जाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते समय कुछ ना कुछ उस भोग के अंदर गिर ना जाए। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने अपने मुखमंडल पर एक रुमाल बांध लिया और एक रुमाल सिर जी को हाथ पहुंचने के लिए दिया है। आरोगत अति सो सोकालो को मैं ए राजभोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के। आरोगत अति सो लाडले सुंदर साहब जी श्रीजी साहब जी बड़ी प्यार के साथ जो श्री बाईजू राज महारानी साहिबा थाल बना के लाई हैं, अनेकों प्रकार की सब्जियां बना के लाई हैं, श्रीजी साहब जी बड़े प्यार से अरोग रहे हैं। सो कहलो कहो मैं ए, महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं मैं कहां तक वर्णन करूं
कि शिवजी साहिब जी कितने आनंद के साथ आरोग रहे हैं। राज भोग सामग्री लवाज में, कहते राज भोग के अंदर शिवजी के भोजन में सामग्रिया हर प्रकार की सामग्री है सुंदर साहब। उसमें सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जियां सभी प्रकार की है ना, दाल चावल और पापड़, अचार, मुरब्बे, मेवे, मिठाइयां, थाल पूरा सजा हुआ है सिरजी साहिब जी के लिए, और फ्रूट्स भी साथ में रखे हुए हैं, फल भी रखे हुए हैं, क्योंकि सिरजी साहिब जी को आनंद के साथ इस समय भोजन कराया जा रहा है। तो कहते सारी शाक सब्जियां परोसी जा रही हैं, आप भी परोस रहे हो ना, है ना सुंदर साहब जी, आपको पता था ना आप सिरजी साहिब जी भोजन आरोगेंगे, तो आप भी भोग रख देना सिरजी साहिब जी के आगे, ठीक है, और जो रखना उसका ध्यान भी करना, और श्री शिवजी साहिब जी को अपने हाथों से खिला देना। हमारे प्रीतम है, हमारे दुल्हा है, इतनी उज्जत इतना दावा तो हम रखते ही हैं कि हमारे हाथ की बनी हुई वस्तु को वो अरोग ले, है ना सुंदर साहब जी। तो दिल से अरगाना शिवजी साहिब जी को, इस रुमाल आने डार के सेवे बिहारी दास, सखियां सब ठाटी रहे मन में सेवन की आस। कहते बिहारी दास जी ने भी अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध रखा है, और सारी सखियां घेर के खड़ी हैं और सेवा की इच्छा लेके खड़ी हैं। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, कहते थाल लेके महाराजा छत्रसाल जी ने शिव जी के आगे कर दिया, और महाराजा छत्रसाल जी उस थाल को पकड़ के बैठे हैं। मीठी रसना सो बातें करें रीज रीज के राज, और शिवजी साहिब जी शकुंडल की आत्म के साथ और सारे सुंदर साथ के साथ रीज रीज के प्रसन्न होके मीठी मीठी रसना से रस भरी बातें भी कर रहे हैं और भोजन भी आरोग रहे हैं। आरोगत अति है सो बातें करें बनाए, कहते आरोगते बड़े हेत से बड़े प्यार से आरोग रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। धाम धनी गाय रिजामी कवल देते ताए, कहते जो शिवजी साहिब जी को वाणी गा के रिझा रहे हैं ना सुंदर साहब, उनको शिवजी साहिब जी अपना एक ग्रास दे देते हैं प्रसाद के रूप में। भाई जी बात करते हैं आरोगने के वक्त, श्री भाई जी राज महारानी साहिबा भी सारी बात करती हैं, जब शिवजी साहिब जी भोजन आरोग रहे हैं उस समय प्रेम भरी रस भरी बातें श्री बाईजू राज महारानी साहिबा कर रही हैं। श्री राज रीज के कहते हैं ऊपर बैठो इन तखत, बीच में शिवजी साहिब जी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा को कह देते हैं कि आओ ना आप यहाँ मेरे साथ बैठो, लेकिन बाईजू राज महारानी साहिबा सिर हिला देती है कि नहीं वहां नहीं बैठना मेरे को। तो बाईजू राज जी को शिवजी साहिब जी बार बार कहती है कि आओ इस तखत पे मेरे बराबर बैठो। जल छबील दास लियाया आरोगने को हक, कंचन कटोरे सुंदर जलवाए देत माफक। इस समय छबील दास जी सोने के कटोरे के अंदर, जो सोने के कटोरे महाराजा छत्रसाल जी ने बनवाए हैं, सोने के और चांदी के बर्तन बनवाए हैं, तो लाडले सुंदर साहब जी सोने के कटोरे के अंदर छबील दास जी आरोगने के समय में जल लेके आते हैं और सिरजी साहिब जी को देते हैं। कोई वस्त्र अरगावनी मसाला ल्यावे घर से, कहते कोई कोई सुंदर साथ शिवजी साहिब जी के लिए अपने घर से मसाला बना के लेके आते हैं। मेवा मिठाई पकवान राज हेत कर आरोगत, कहते हैं और सिरजी साहिब जी मेवे मिठाइयां पकवान बड़े आनंद से आरोग रहे हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, चुल्लू कराई चौक सो शाकुंडल दिल खुशहाल। अब सिरजी साहिब जी ने समस्त सुंदर साथ जो घरों से भी लेके आए है ना, वो भी सिरजी साहिब जी ने आनंद से आरोग लिया। सभी प्रकार की सब्जियां आरोगी, मूंग चावल आरोगे और पापड़ अचार अनेकों प्रकार के भोजन प्रसाद आरोग के, और सिरजी साहिब जी श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल। जब सिरजी साहिब जी ने भोजन आरोग लिया तो सुंदर साथ ने थाल उठाया, चुल्लू करावे चौप सो बड़े आनंद के साथ सिरजी साहिब जी को कुल्ला कराया, शाकुंडल दिल खुशियाल शाकुंडल बाई की आत्म सिरजी साहिब जी को कुल्ला कराती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
कहवा आरोग ने को ले आई मानिक भर के देवे हाथ में ए जो गंगा दास बुजरक। देखिए सुंदर साज जी, हम तो ग्रीन टी आज पीने लगे है ना, अब समझ आई कि ग्रीन टी पीनी चाहिए और जो कुछ भी खाया पिया होता है तो वो घी वगैरह सब कुछ पच जाता है। और सिरजी साहिब जी हमें 400 साल से भी तक के अंदर वर्णन करके सुना रहे हैं कि जैसे सिरजी साहिब जी रात के समय भोजन प्रसाद लिया तो ऊपर से उन्होंने कहवा मंगा के पिया है सुंदर साहब जी। और कहवा के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, अदरक, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, लौंग, छोटी इलायची और अदरक और मिश्री का काढ़ा बनाया हुआ है। सुंदर साहब जी अपने भी यही काढ़ा बना के पीना शुरू कर देते हैं ना, है ना, कोई बात तो ले ही नहीं। चलो काढ़ा सिरजी साहिब जी पीते थे तो सिरजी साहिब जी को याद करें कि देखो काढ़े में क्या क्या डाला है। फिर से सुनो एक बार, काढ़े के अंदर अमर का मतलब होता है काढ़ा, काढ़े के अंदर क्या डालना है, एक तो दालचीनी डालनी है ठीक है, और फिर जावित्री डालनी है, फिर जायफल डालना है, फिर लौंग डालना है, फिर इलायची डालनी है, फिर अदरक डालनी है और फिर मिश्री, और ये सब पानी के साथ उबाल के औषधि के रूप में श्रीजी साहिब जी रोज लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फूल सपारी बीड़ी मिने अरगावे कल्याण, ए सेवा श्री भाई जी की दई सेवक अपना जान। कहते हैं कल्याण भाई फूल सुपारी पान बीड़ा के अंदर अरगावने के लिए दे देते हैं, ये भाई जी राज महारानी साहिबा ने अपना सेवक समझ के उनको सेवा दी। बीड़ी वाले श्री भाई जी महाराजा अपनी दे सुपारी मानिक छबीला और सेवक महारानी। कहते मानिक भाई छबील दास और मजली महारानी जी ने सुपारी देने की सेवा की है। हार कलंगी आवत उपरा ऊपर इतके, ले ले ना मुजरा होते होए जुबा एक के। कहते हार और कलंगियों के टोकरे भर के आते हैं और एक एक सुंदर साथ का दर्शन भी करते जाते हैं और सिरजी साहिब जी को हार भी पहनाते हैं। शंभु ओका जसिया लियावत है कलंगी, श्री राज हाथों धरत है सेवा अंगीकार करी। कहते शंभु भाई ओका भाई जसिया भाई कलंगी लेके आते हैं और शिवजी साहिब जी अपना हाथ तखत से लंबा करके कहते हैं कि लाओ भाई कौन लेके आया, और लेके अपने शीश कमल पर लगा लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपको आनंद आ रहा है सुंदर साहब जी, कितना आनंद आ रहा है अभी तक के अंदर, ये अष्ट पैर की लीला के अंदर श्री बंगला जी दरबार के अंदर शिवजी साहिब जी को साक्षात स्वरूप में देखते जाना, कैसे कहवा पिया होगा है ना, कैसे तखत पर बैठे हैं है ना, और कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं सुंदर साहब के साथ। अब सुंदर साहब फूल मालाएं लेके आए हैं शिव जी के लिए, कलंगियां फूलों की बनी हुई लेके आए हैं और महाराजा छत्रसाल जी भी लेके आते हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर, महाराजा छत्रसाल जी ने तो फूलों की कलंगी अपने हाथों से बनाई है, सुई धागा लेके बांधत लटकनी छब की, हाथों हाथ धरे सिर पर, और सिरजी साहिब जी ने लटकनी छबी से उसको कलंगी को बांध लिया है। सुंदर साहब जी सिरजी साहिब जी अपने हाथों से बांध लेते हैं। मुकुंदास लियावत तुरा कलंगी परन, श्री राज सिर पर धरत है चलकत है किरण। मुकुंद दास जी तुरा तथा पंख से बनी हुई कलंगी लेकर आते हैं, दामदनी इन्हें भी अपने सिर पर धारण कर लेते हैं और उसमें से भी किरण की झलझलकार हो रही है। महाराजा के रावर से आवत कलंगी हार, चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार, और महाराजा छत्रसाल जी के महलों से भी शिवजी साहिब जी के लिए फूल कलंगियां और हार आते हैं। कहा कहो इन समय की जा राज विराजे तखत, आई जी मोर्चल करत सो कयो ना जाए मुख। कहते महाराजा कहा कहो इन समय की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साहब जी इस समय श्री बंगला जी दरबार के अंदर कितना आनंद छाया हुआ है। लाडले सुंदर साहब जी 5000 सुंदर साथ
और शिवजी साहिब जी का तख्त उनका पलंग पूरा का पूरा फूलों से भर जाता है, क्योंकि समस्त सुंदर साथ ने लाला के फूल कलंगियां हार शिवजी साहिब जी को पहनाए हैं और शिवजी साहिब जी सबके भाव रखते जा रहे हैं और फूलों से कलंगियों से ओत प्रोत होके तखत के ऊपर विराजमान है। कितने सुंदर लग रहे होंगे ना शिवजी साहिब जी, इतनी सारी फूलों की मालाएं पहन के और अपनी पाग के ऊपर इतनी सारी फूलों की कलंगियां पहन के। महाराजा मोरचल लिए दो बाजू चमर डुलाए, शेख बदल लाल खान हाथ फेरत चमर बनाए। कहते महाराजा मोरचल लिए, महाराजा छत्रसाल जी मोरचल लेके खड़े रहते हैं और सिर जी के दोनों तरफ शेख बदल और लाल खान भी मोरचल करते हैं। कबू पीठ पीछे हुए के लाल के सब अरज करे अरज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पोड़ने की गरज। कहते कभी कभी लालदास जी और केशव दास जी सिर जी की पीठ पीछे होकर प्रार्थना करते कि हमें कुरान हदीसा पढ़ने की इच्छा हो रही है। चितवनी की बारी में ने भोग दिया वक़्त इन, गावत संज्ञा को अवसर पैर रात लो रोशन। कहते चितवनी के समय वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ ने अपनी बारी में शिवजी साहिब जी को भोग अर्पित किया और इस समय क्या गाया जा रहा है, हुआ संज्ञा को अवसर राज श्यामा जी बैठे सिंगार कर। इस समय हुआ संज्ञा का अवसर गाया जा रहा है। मन्ना अर्ज करते हैं वस्त्र सुनने की, सो राज मोसो को मैं हाजिर ना थी। इस समय मन्ना बाई आ गई, शिवजी साहिब जी से आके कहती हैं कि शिवजी साहिब जी जब आपने वस्त्र आभूषण राजश्यामा जी का शोभा श्रृंगार वर्णन किया ना तो मैं थी नहीं शिवजी साहिब जी, आप दोबारा वर्णन कर दो। तो शिवजी साहिब जी फिर से वर्णन कर देते हैं, साड़ी रंग सिंदुरिया जामा जड़ाव कंच की। कहते साड़ी रंग सिंदुरिया, श्री श्यामा जी महारानी ने सिंदुरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है, हैं सिरजी श्री श्यामा जी के वस्त्र इस प्रकार से हैं। धामधनी कह रहे हैं आओ सुनो कैसे हैं। कहते साड़ी रंग सिंदुरिया जामा जड़ाव कंचुकी। कहते हैं और जो कंचुकी है वो तो जड़ित की हुई है, नीलो लाई ने चरणिया और नीलो लाई का चरणिया पहना हुआ है श्यामा जी ने ये वस्त्र ठकुरानी जी। तो कहते हैं ये ठकुरानी जी के वस्त्र हैं। चीरा रंग सिंदुरिया श्याम श्वेत जवेर तार, पिछौड़ी रंग आसमानी देख परवर दिगार। श्री श्यामा जी का श्रृंगार हम मूल मिलावे के अंदर बहुत अच्छे से सुन चुके हैं कि किस प्रकार से श्री श्यामा जी महारानी ने नीलो लाई को चरणिया, नीला उसके अंदर आभा पड़ रही है लाल रंग की, नीलो लाई को नीले के अंदर लाल रंग की आभा पड़ रही है सुंदर साहब जी और वो चरणिया पहनना हुआ और श्याम रंग का सुंदर कंचुकी ब्लाउज पहनना हुआ। वो श्याम रंग तो दिखाई नहीं दे रहा श्यामा जी महारानी के ब्लाउज के अंदर और वो हीरे नंगो मोतियों से जड़ित किया हुआ सिंदुरिया रंग की साड़ी पहनी हुई अब श्री राजी महाराज का श्रृंगार वर्णन कर रहे हैं। चीरा रंग सिंदुरिया श्याम श्वेत जवेर तार। कहते हैं श्री राजी महाराज ने जो चीरा पहना है, पाग पहनी हुई है, वो सिंदुरिया रंग की है, पिछौड़ी रंग आसमानी देख परवरदिगार। तो कहते हैं जो श्री राजी महाराज की पाग सिंदुरिया रंग की है ना, उसके अंदर सोने के तारों में कितने तरह के जवेरों से वो जड़ित किया हुआ है और जामा सफेद रंग का पहना हुआ है, आसमानी रंग की पिछौड़ी पहनी हुई है और नीलो न पीले बीच के रंग का पटका पहने हुए है। नीले पीले रंग को पटका बांधे कमर, केसरिया रंग की जार है लियो भूल भागो दिल धर। कहते नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधा हुआ है और केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है। अब थोड़ा सा इसको गा के बोले श्री राजी महाराज के इस श्रृंगार को, पंजाबी के अंदर बोलियां गाते हैं है ना सुंदर साथ जी, पर जिस सुंदर साथ को वस्त्र आभूषण का पता है तो उन्हें समझ तो आ ही जाएगी है ना। पंजाबी में बोली में गाते हैं नूरी केसरी इजार, नूरी केसरी इजार जामा श्वेत पियादा उत्ते नीला पीला पटका है खूब सजदा, उत्ते नीला पीला
पटका है खूब सजदा, आसमानी है पिछोड़ी, आसमानी है पिछोड़ी, पाग लाल रंग दी गोल दुग दुगी है, देखो लाल मानिक रंग दी गोल दुग दुगी है, देखो लाल मानिक रंग दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी इतने सुंदर वस्त्र आभूषण धाम धनी ने वर्णन करके सुना दिए। आज निरत नवरंग बाई की साड़ी जड़ाव श्याम, अम्बारस कंच की पांच पटे चरणिया स्थाम। कहते हैं आज निरत नवरंग बाई की, आज का मतलब है सुंदर साहब जी जिस दिन हमने खेल में उतर के आना था ना, उस दिन नवरंग बाई जी की बारी थी नृत्य करने की। बाकी नृत्य तो सारी सखियां करती हैं, है ना। तो साड़ी जड़ाव श्याम, कहते श्याम रंग की जड़ित की हुई साड़ी पहनी हुई है, आम रस की कंच की और पीले रंग का ब्लाउज है, और पांच पटे चरणिया स्थाम, पांच रंग का पेटीकोट पहना हुआ है। किसने? नवरंग बाई जी ने। इजार पहनी इजार नीली ए वस्त्र बाई निरत, और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक। कहते और नवरंग बाई जी ने नीचे अपने पेटीकोट के नीचे नीले रंग की पजामी पहनी हुई है ना। और आज नवरंग बाई का नृत्य का समय है, और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माफक, और समस्त सुंदर साथ का जो श्रृंगार है ना, सिर जी ने कहा है एक श्यामा जी ने वर्णु भी जो साथ एणी पेरे जान। एक श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया रास में, तो कहते हैं समस्त सुंदर साथ अपना श्रृंगार भी श्री श्यामा जी जैसा ही समझ लेना। और शिव जी ने कहा आज तो चौथी भौम के अंदर नवरंग बाई नृत्य कर रही हैं। किसकी बारी है? नवरंग बाई की बारी है, और नवरंग बाई नृत्य करती हैं। कैसे करती हैं? आइए दो लाइनें गा के आनंद ले, आप सारे भी गाया करो, है ना सुंदर साथ जी। अपने घर में गाओगे तो आनंद आएगा ना, आपके घर में नवरंग बाई आके नाचने लग जाएंगी जब आप साथ साथ में गाओगे, क्योंकि ये तो अखंड लीला है, ये तो ब्रह्म लीला है, हैं? ये चेतन लीला है, आनंदकारी लीला है। जहां भी आप गाओगे वहां आनंद छा जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती की है, ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती की है, या नवरंग बाई होए, या नवरंग बाई नाच रही छम छम पायल है बाज रही, जय 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 पिया की जय जय जय, जय 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 पिया की जय जय जय। ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती की है, या नवरंग बाई होए, या नवरंग बाई नाच रही छम छम पायल है बाज रही, जय 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 पिया की जय जय जय, जय 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 पिया की जय जय जय। नवरंग ने घुंघरू बांधे हैं और मधुर मधुर स्वर साधे हैं, नवरंग ने घुंघरू बांधे हैं और मधुर मधुर स्वर साधे हैं, पैरों में कांबी होए, पैरों में कांबी कड़ला है और उनके अनवट बिछुआ है, जय 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 पिया की जय जय जय। आए हैं श्यामा श्याम यहाँ नीरत की थई थई कार यहाँ, आए हैं श्यामा श्याम यहाँ नीरत की थई थई कार यहाँ, मद सिंहासन पर होए, मद सिंहासन पर बैठे हैं और नैनो भर भर देखे हैं, जय 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 पिया की जय जय जय, जय 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 पिया की जय जय जय। ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती की है, ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती की, या नवरंग बाई होए,
की जय जय जय, पिया की जय जय जय, जय जय जय, पिया की जय जय जय। जो बैठी है इस मेले में और रुके नैना खोले हैं, जो बैठी है इस मेले में और रुके नैना खोले हैं, सुख निरत का वो ही होए, सुख निरत का वो ही जाने हैं, जो धाम धनी पहचाने हैं। जय जय जय, पिया की जय जय जय, जय जय जय, पिया की जय जय जय। ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, या नवरंग बाई होए, या नवरंग बाई नाच रही, छम छम पायल है बाज रही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नवरंग बाई की जय। ए वस्त्र सब साथ को कहते बखत दोए, एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनत है दो सोए। कहते सिर जी साहेब जी चर्चा में दोनों समय है। वस्त्र आभूषण का वर्णन कर देते हैं और समस्त सुंदर साथ सुनते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भाई हैं दो तीन, सो लिखे शास्त्रों मिने जो लियाए आकीन। कहते इस ब्रह्मांड में स्वरूप की पहचान कराने वाले मात्र दो या तीन ही व्यक्ति हुए हैं और जिनका वर्णन शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, और इन दो तीन ने ही उस स्वरूप का पूर्ण विश्वास के साथ वर्णन किया है। सुंदर साथ जी, सो स्वरूप वैकुंठ का जाय कया मलकूत, कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूत। कहते स्वरूप दाता भाई हैं दो तीन, कहते स्वरूप की पहचान कराने वाले तारतम ज्ञान जो धाम के धनी लेके आए, इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही धाम धनी के स्वरूप की पहचान हो पाई। लाडले सुंदर साथ जी, आज तक दुनिया जो वर्णन कर रही थी वो दुनिया कहाँ का वर्णन कर रही थी? कहते बैकुंठ का वर्णन कर रही थी। और कहने वाले फरिश्ते जिनका ठौर जबरूत, कहते इस संसार में मनुष्यों ने जिस स्वरूप का साक्षात किया कार्य करते है ना, वो कौन सा स्वरूप है? वो बैकुंठ वाला स्वरूप है। और कतेब में मलकूत को क्या कहा गया है? मलकूत क्या है? बैकुंठ। कतेब के अंदर मलकूत कहा गया, वेद के अंदर बैकुंठ कहा गया। जैसे हम अपनी भाषा में कहें तो क्या कहते हैं कि बैकुंठ अक्षरधाम परम धाम है ना, और उसमें कुरान के अंदर कहा गया है मलकूत जबरूत लाहूत। तो फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर ए सूरत अरश अजीम की जाए कया अक्षरातीत, कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। कहते ए सूरत अरश अजीम की, जिस सूरत का वर्णन किया जा रहा है, जो फरिश्ते भी वर्णन कर रहे हैं, ये सूरत कहाँ की है? ये अक्षरातीत की है, जो ईश्वरी सृष्टि भी वर्णन कर रही है। कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत, और कहने वाले धाम के धनी है और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ विश्वास के साथ सुन रहे हैं। निष्ठाबंद सुनते हैं जाए सांच होवे कान, हाथ पांव हाथ अंग इंद्रियां होए हक की ताई पहचान। कहते निष्ठाबंद सुनत हैं, कहते निष्ठाबंद का मतलब होता है जहां से वाणी चर्चा प्रारंभ हुई वहां से लेके चौपाई दौराने तक सुनते रहना और पूरे नियम से सुनना, इसको कहते हैं निष्ठा पूर्वक। हमारे सुंदर साथ कहेंगे हम तो पूरी निष्ठा पूर्वक सुन रहे हैं, 6 अप्रैल से लेके अब तक निष्ठा पूर्वक सुन रहे हैं। जहां से आप चौपाई शुरू करते हो वहां से लेके और जब तक जयकारा नहीं लग जाता तब तक हम पूरी की पूरी सुनते हैं। तो सुंदर साथ जी ये ब्रह्म सृष्टि के लिए कह रही हैं कि निष्ठा बंद सुनत है जाए सांचे होवे कान, जिसके पास हृदय के श्रवण हृदय के कान है ना, रूह के कान है ना, वो निष्ठा बंद होके सुनते हैं। और पांव हाथ अंग इंद्रियां, कहते अपने हाथ अपने पांव अपने गुण अंग इंद्रियों को अपने अंतःकरण को
पवित्र होने के लिए, कहते हृदय पवित्र हो, पवित्र हृदय से जो आत्मा ये सुनेगी ताई होई हक की पहचान। कहते जो पवित्र अंतस्करण से इस वाणी चर्चा को सुनेंगे उन्हें धनी की पहचान हो जाती है। फिर आगे भी सुन लो क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई इत आए के कबू ना बैठ सकत, काव कुसा मत गरज आमी पर मीने ना बैठ सकत, दूसरा कोई इत आए के। लाडले सुंदर साथ जी, शिव जी ने तो स्पष्ट ही कह दिया कि दूसरा तो इस चर्चा के अंदर आके बैठ ही नहीं सकता, कबू ना बैठ सकत, काव खुशामद गरज आवी, किसी ने खुशामद कर दी और किसी की गरज के लिए कोई आ भी गया, पर मीने ना बैठ सकत, पर ब्रह्म सृष्टि के महफिल के अंदर, ब्रह्म आत्माओं के ग्रुप के अंदर आके बैठ नहीं सकेगा। शिव जी ने वाणी में भी फरमाया, मोमिनों के मेले मीने कोई आए ना सके रू ख्वाब, ब्रह्म सृष्टि का मेला जहां बैठा होगा, ब्रह्मात्माओं का जो ग्रुप होगा, वह माया का ख्वाब जीव बैठ नहीं सकता। फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना चौपाई को, सुन रहे हो ना, अच्छे से सुन रहे हो ना सारे के सारे, ए तो बात अंकुर की होय ना बिना सरमंद, जो दुनिया को देखी ताय कया बड़ा अंध। कहते ए तो बात अंकुर की, भाई ये वाणी चर्चा बिना अंकुर के नहीं सुनी जाती, धनी जी ने सीधा ही कह दिया है, बात बड़ी है मेहर की, मेर होय ना बिना अंकुर, अंकुर के बिना कृपा नहीं होती, और अंकुर सोई जो हक निस्मत, कैसा अंकुर चाहिए ये वाणी चर्चा अभी तक सुनने के लिए, ये ब्रह्म वाणी सुनने के लिए, अंकुर सोई कौन सा अंकुर सोई जो हक निस्बत, माय बस्त जल्ला नूर, अंकुर वो चाहिए जिसकी धनी के साथ संबंध हो और जो मूल मिलावे के अंदर बैठा हो। तो कहते जो दुनिया को देखी ताय कहा बड़ा अंध, और जो संसार के अंदर ही डूबे रह जाते हैं और तारतम वाणी की चर्चा को नहीं सुन सकते, शिव जी ने उनको कहा कि अंध। किसको कह दिया, जो ये वाणी चर्चा ना सुन सके। जब कलाम रबानी खुले ये तब हुआ बखत क्या मत, तब लगा रोजगार को है बड़ा कम हिम्मत। जब कहते शिव जी साहब जी कुरान की हकीकत मार्फत के भेद खोल रहे हैं है ना, और समझा रहे हैं, तो कहते कम हिम्मत वाले माया के जीव सृष्टि इसको नहीं सुन सकते, वो माया के कामों में ही लगे रह जाते हैं। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की कयो ना जाए हरफ। कहते अब आरती का समय आ जाता है, हम आज भी देखते हैं ना सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी में शरद पूर्णिमा के महोत्सव में जब हम जाते हैं और आरती का समय जब होता है, तो आरती के समय में कितनी भीड़ होती है उसका भी दर्शन करना सुंदर साथ जी है ना। श्री भाई जी आवत इन समय, होत बिछोने जोड़े तखत, गादी तकिये बिहारी दास बिछावत है इत। कहते आरती के समय में इन समय शोभा की कहो ना जाए हरफ, आरती का समय जब आ जाता है तो शोभा का कोई पारावार नहीं है श्री बंगला जी दरबार के अंदर। श्री भाई जी आवत इन समय, इस समय श्री भाई जी राज महारानी साहिबा आ जाती हैं, होत पिछोने जोड़े तखत, श्री जी साहिब जी के साथ तखत के ऊपर भाई जी राज महारानी साहिबा के लिए भी बिहारी दास जी गादी तकिए लगा देते हैं। बोलो बाईजू राज महारानी साहिबा की जय हो। बाईजू राज महारानी साहिबा कहेंगी कि मैं तखत पर बैठती हूं तो मेरा जयकारा नहीं लगाते, मैं थाल लेके आती हूं तो जयकारा नहीं लगाते हैं, मैं आरती करती हूं तो जयकारा नहीं लगाते। तो सुंदर साथ जी बाईजू राज श्यामा जी महारानी की भी जय घोष करते जाना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा की जय। आरती हो आनंद सो करत अति गने प्यारे, शोभा हो संसार में करत सबे मनुहार। कहते बड़े आनंद के साथ आरती हो रही है और बड़े प्यार के साथ इस समय आरती उतारी जा रही है, शोभा हो संसार में
करत सबे मनुहार, अक्षरातीत धाम धनी नूर जमाल साहिब समझ के आरती उतारी जा रही है। और इस समय आरती की शोभा का कोई पारावार नहीं है। झांझ ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत, आरती समय ल्यावत भाखरिया नाचत। कहते झांझ कैंसिया है ना और ताल, ये सारा दगड़ा भाई रखते हैं और जब आरती का समय होता है ना तो भाखरिया भाई नाचते हैं। दो बाजी चमर डोरत लाल भाई, पहले गोविंद दास करता था कोई दिन शिवराम के, दोनों साइडों में दोनों तरफ सिरजी साहिब जी के तखत के चमर डुलाए जा रहे हैं। पहले लाल भाई डुला रही है, पहले गोविंद दास जी डुलाते थे। हर नंदर कोई दिन शेख बदल लाल खान, आखिर आई इन पे जिनका था ईमान। गावे गावे साथ को ए सेवा मुकुंद दास, आरती में आए खड़े होत नित विलास। कहते मुकुंद दास जी नवरंग बाई की आत्म है ना। तो सुंदर साहब जी नवरंग स्वामी जी क्या करते हैं, श्री बंगला जी दरबार के अंदर सारे सुंदर साथ को आरती खुद भी गाते हैं राग के साथ और सबको गवाते हैं और बड़ा हास विलास हो रहा है। बिंदा कन्नड़ गावी और गंगा राम, अगर दास आनंद सो बद्रीदास इनकाम। ये सुंदर साथ जो आरती गा रहे हैं ना उनके नाम है इसलिए पढ़े जा रहे हैं। सुंदर साथ जी सुनते जाइए। कबू उत्तम दास आमी बजावत है मृदंग, झांझ ताल बजावत कैतिक सैया इन संग। कहते उत्तम दास जी ढोलक बजाती हैं और उनके साथ झांझ ताल सारे सुंदर साथ बजा रहे हैं। आप तो बस ध्यान करते जाइए कि श्री बंगला जी दरबार के अंदर आज भी धामी सुंदर साथ जब वो कैंसिया बजा रहे होते हैं उनकी आवाज को सुनिए, ढोलक की आवाज को सुनिए, आरती की आवाज को सुनिए कि किस प्रकार से आरती उतर रही होती है और किस प्रकार से श्री बंगला जी दरबार आरती के समय में भरा होता है। वो दर्शन करते जाइए, ये ब्रह्म लीला है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गावने में आगे खड़ा परमानंद परवीन, भाव दिखावत भेद सो आया कुवत माफक आकीन। कहते गाने के लिए आगे खड़े हैं परमानंद परवीन, गाने के लिए खड़े हैं और भाव दिखावत भेद सो। कहते एक एक शब्द को इस प्रकार से गाती हैं कि भाव स्पष्ट हो जाए और कहते जितना विश्वास है उतनी ताकत भी आ जाती है गाने के लिए। आज भी हम देखते हैं सुंदर साथ जी जैसे हमारे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के धामी सुंदर साथ गाते हैं और जैसे आरती करते हैं और जैसे झांझ बजती हैं, कैंसियां बजती हैं, लाडले सुंदर साथ जी आज भी हम हैरान रह जाते हैं कि उनको राजजी महाराज ने कितनी ताकत दे रखी है गाने की बजाने की। ये शिवजी साहिब जी के ही तो आगे से आगे इन्हीं के पूर्वज पहले बजाते थे, आगे वही बजा रहे हैं तो कितना आनंद होता है ना। साथ सब खड़े रहे भर के बाजू दोए, देखिए श्री बंगला जी दरबार के अंदर 5000 सुंदर साथ दो बाजू भर के खड़े हैं। झांझ मृदंग बजावत आनंद अजीम होए। कहते झांझ बज रही है, मृदंग बजा रहे हैं और अरश अजीम परम धाम का आनंद आ रहा है और आरती का समय है। सुन धुन इन समय की कापत दुलकुली दज्जाल, इन्हें चे मोको मारेगा यही है मेरा काल। कहते आरती की धुन सुन के ना दज्जाल थरथर कांपने लग जाता है और उसको पता है कि ये आखिरी इमाम मेहंदी हैं, ये निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं, ये मेरे को मार डालेंगे। मेघा गादी बिछावत श्री भाई जी के कदम तले, जब आरती करत है श्री भाई जी खड़े ऊपर इनके। कहते मेघा भाई श्री भाई जी राज महारानी साहिबा के नीचे गादी बिछा देती हैं और श्री भाई जी राज महारानी साहिबा गादी के ऊपर खड़ी होके आरती उतारती हैं। आरती के वक्त में चादर बिछावत हीरा मन, चावल बदावत श्री भाई जी सब आरती वाले संयन। लाडले सुंदर साथ जी श्री मंगला जी दरबार के अंदर आज भी जब आरती उतरती है ना तो सामने एक चादर बिछा देते हैं और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा का ही भाव लेके आरती उतारते हैं। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा इस समय में चावल उड़ेलती हैं तो वो चावल सारे के सारे चद्दर के ऊपर आ जाते हैं जो इस समय हीरा मन भाई बिछाते हैं। श्री बाई जी करे तिलक चौड़त है चावल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री भाई जीवराज महारानी साहिबा की जय। श्री भाई जीवराज महारानी साहिबा ने शिरजी साहिब जी के मस्तक के ऊपर लंबा तिलक तो लगा ही हुआ है। शिरजी साहिब जी का नासिका से लेके निलाड़ तक तो तिलक लगा हुआ है। अब बाईजूराज महारानी साहिबा ने शिवजी साहिब जी को एक लाल रंग का सुंदर तिलक लगाया और उसके ऊपर चावल लगा दिए। सुंदर साजी शिवजी साहिब जी कितने सुंदर लग रहे हैं, हमें पता है ना कि सुंदर पाग पहन के बैठे हैं, सुंदर कलंगियां पहनी हुई फूलों की, और अब बाईजूराज महारानी साहिबा ने तिलक लगा के और ऊपर चावल लगा दिए। तो कहते हैं राघव रुमाल धरत है करे सेवा अपने बल, कहते सिरजी के सिर के ऊपर राघव भाई ने रुमाल रख दिया और अपने आत्मा के बल से ये सुंदर सा सेवा कर रहे हैं। आरती करें आनंद सो श्री भाई जी कित आई, ए सेवा की जोग भाई साज रुक्मणी ल्याई। कहते श्री भाई जुराज महारानी साहिबा बड़े आनंद के साथ सिरजी साहिब जी की आरती करती हैं और रुक्मणी बाई आरती का सारा सामान लेके आ जाती हैं। रूपे पंचघड़ी आरती गिरत दीपक ज्योत बत्तीस, करे फिरत प्रकाश चौदिस सेवत मन प्रतीत। कहते रूपे की पांच घड़ी की आरती है, पांच खंचे वाली, और गिरत दीपक ज्योत बत्तीस, उसके चारों तरफों 32 दीपक आए हैं, है ना। और करे फिरते प्रकाश चौदिस, और जब आरती करते हैं तो चारों तरफों प्रकाश हो जाता है। अपने तो श्री बंगला जी दरबार के अंदर इस आरती का दर्शन करते ही हैं, सुंदर साहब जी देखते हैं कि वो पंचघड़ी वाली आरती कितनी सुंदर और कितना प्रकाश हो जाता है। कहते सेवत मन प्रतीत, सुंदर साथ पूरा विश्वास के साथ और परम धाम की आत्माएं पूरे श्रद्धा भावना विश्वास के साथ आरती कर रही हैं। और आवन आवत करनी आरती लच्छो इन समय, दीपक ज्योत प्रकाश के कोई दिन हुई सेवा इनसे। लच्छो भाई भी आके आरती का गायन करती हैं। और अंबो करी आरती शामिल दूजी तरफ, एक बाजू में तीन खड़ी और भानी एक तरफ, और कई कुमारी का लिए दीपक थाली हाथ, जलकत ज्योत चौदिस करे भाई जी ऊपर साथ। कहते छोटी छोटी कुमारी का जिनकी शादियां नहीं हुई वो लड़कियां छोटी छोटी भी अपने हाथों में आरतियां लेके खड़ी हैं, दीपक लेके खड़ी हैं, वो भी आरती कर रही हैं। तो पूरे बंगला जी के अंदर झलकत ज्योत चौदिस, चारों तरफों आरती का झलझलकार हो रहा है, दीपक झलक रही हैं और भाई जी ऊपर साथ, और सुंदर साथ जी श्री भाई जी के पीछे खड़े होकर साफ सुंदर साथ आरती कर रहे हैं। और आरती करते हैं कंचन थाल चहुमुख दिवला, कहते कंचन का अब आरती भी समझ लीजिए सुंदर साहब जी, क्योंकि गाते तो रोज है, एक बार इसका अर्थ भी समझ लें, है ना सुंदर साहब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। कंचन थाल कहते सोने का थाल है, चहुमुख दिवला, और कहते चारों तरफों उसके अंदर ये पंचघड़ी आरती रखी है और उसमें चारों तरफों दीपक जल रहे हैं, दीपक ज्योत प्रकाशी 32 दीपक जल रहे हैं आरती के अंदर, और 32 दीपक प्रकाश कर रहे हैं। सुंदर साहब जी करत आरती जियावर रानी, कहते ये आरती श्री बाईजू राज महारानी साहिबा उतार रही है। आनंद अंग उलासी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा धाम धनी की जब आरती उतार रही हैं तो हृदय के अंदर अपने प्रीतम की, अपने साहिब की, अपने दुल्हा की पूर्ण पहचान है, और आरती उतारते हुए आत्मा के अंदर आनंद का कोई पारावार ही नहीं है। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोहे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे। कहते श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान जुगल स्वरूप बहुत सुंदर लग रहे हैं और अखंड सुख देने वाले हैं, और धाम के धनी श्री राजी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में शोभायमान हो रहे हैं, है ना सुंदर साहब जी। ऐसे सिरजी साहिब जी की प्रेममयी और मंगलमयी मुख की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे,
कहते देख देख के सिरजी साहिब जी के स्वरूप को मन तो मोह लेते हैं सिरजी साहिब जी, है ना। सखियां नृत्य करें और गावे, कहते इस समय सखियां नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं। ये कंचन थाल जब गाया जा रहा है ना, तो सखियां नाच रही हैं, गा रही हैं, आनंद अखंड अपार, इतना आनंद आ रहा है, वो भी परम धाम का आनंद आ रहा है। ताल मृदंग झांझ झंतर बाजे, कहते ताल मृदंग बज रही है, ढोलक बज रही है, झांझ कैंसिया बज रही है और यंत्र बज रही है। सखियां बोले जय जयकार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे जैसे आरती हो रही है, सुंदर साथ जय जयकार कर रहे हैं। बधावा में मुक्ताफल सखियां, श्री जियावर श्याम सुहागी, तन मन जीवन छावर कीनो, श्री महामती चरणों लागी। कहते हैं प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी और उनकी अर्धग्नि श्री श्यामा जी के चरणों में सखियां मोती अर्पण करती हैं। अब मोती क्या है सुंदर साथ जी? मोती है अपने दिल की श्रद्धा भावना प्यार, दिल समर्पित कर दिया धनी के चरणों में। ये मोतियों जैसा दिल धनी के चरणों में समर्पित कर दिया, यही तो धनी चाहते हैं। धनी कुछ नहीं चाहते, धनी क्या चाहते हैं कि तेरा जो एक दिल है ना वो मुझे दे दे। तो दिल रूपी मोतियों को भी श्रद्धा भावना के साथ अर्पण कर दिया श्री इंद्रावती चरणों लागी। अब लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ तो यहाँ पे श्री प्राणनाथ जी को साक्षात धाम का धनी समझ के उनकी आरती उतार रहे हैं, और सिरजी साहिब जी श्री इंद्रावती जी की आत्म इस समय जुगल स्वरूप जी का ध्यान करती हैं परम धाम के अंदर। वो ध्यान से देख रही हैं कि ये आरती मेरे जुगल स्वरूप की उतर रही है, जो मेरे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रुक्मणी थाल दरत है श्री राज के आगे, कर पसार पीड़ा धरे करे मेहर धाम धनी ए। कहते सिर जी के आगे रुक्मणी बाई ने थाल रख दिया, अक्षराती सिरजी साहिब जी उस थाल में अपनी मेहर स्वरूप पानों का बीड़ा रख देते हैं। और सबकी थाली में डारत है बीड़ी ये, सेवा कल्याण प्रहलाद की नित आवे करने ए। और सबकी थालियों के अंदर प्रहलाद जी और कल्याण जी पान का बीड़ा रखते जाते हैं। इन भात नित आनंद होते बंगले में, कई खलक आवे दीदार को सुनकाई मी पावे इनसे। कहते इस तरह से श्री बंगला जी दरबार के अंदर नित्य प्रति आनंद होता है। 11 वर्षों तक सुंदर साथ जी ये आनंद भरी आरती उतरती सिरजी साहिब जी की, विचार कीजिए 5000 सुंदर साथ कितने आनंद के साथ सिरजी साहिब जी की आरती उतारते, कितना आनंद आता। कई खलक आवे दीदार को, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि कितनी खलक दर्शन करने के लिए आती है, सुन कायमी पावे इनसे। और इनका तो दर्शन सिरजी साहिब जी का साक्षात स्वरूप में जो भी दर्शन कर लेता था ना सुंदर साहब जी, 1000 साल बंदगी का फल मिलता था एक बार दर्शन करने से। तो जिन्होंने आके आरती में दर्शन कर लिया, क्योंकि आरती में सभी लोग आते थे, और सिरजी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं सुन कायमी पावे इनसे, अखंड मोक्ष मिल गया जिन्होंने शिव जी की आरती का दर्शन कर लिया। आरती का मतलब क्या होता है? आ रति, आ मेरे और प्रीतम को एक कर दे। लाडले सुंदर साथ जी, हम दोनों को एक करने के लिए ही आरती की जाती है, क्योंकि जब आरती उतारी जाती है सुंदर साथ जी, तो उन आरती की बत्तियों के अंदर ही श्री राजजी महाराज की नजरें होती हैं, धामधनी आरती की तरफ देख रहे होते हैं, और उस समय में हम सुंदर साथ भी आरती का दर्शन कर रहे होते हैं, है ना। तो जब हम आरती का दर्शन कर रहे होते हैं तो हमारी नजरें दोनों की आरती के द्वारा मिलन हो जाता है। धामधनी की नजरों का रूहों के साथ मिलन और रूहों की नजरों का धामधनी के साथ मिलन। आ रति, आ मेरे को रत्ती कर दे, एक कर दे हम दोनों को। तो ऐसी आरती का आनंद
बंगला जी के अंदर हुआ और जिसने दर्शन कर लिया वो भी अखंड हो गए। इत धुन सूरज मन करे आरती बोध, श्री धाम धनी जी अवर के नाम ले तो भागे विरोध। कहते सूरज मन इस प्रकार के राग में आरती का गायन करते हैं कि सबको उसके भाव का भी बोध हो जाए, पता लग जाए, है ना। और अक्षरातीत का नाम लेने से ही हमारे हृदय के सारे विकार द्वंद अंधियारा सब कट जाता है जब हम धाम के धनी की जय बोलते हैं। शिवजी ने वाणी में कहा ना, दाज मिटत एक शब्द से जब कहूं धनी श्री धाम। एक बार धाम का धनी कोई आत्म बोलती है तो हृदय की सारी अग्नि समाप्त तो हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। यही अक्षरातीत है, यही है धनी धाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम। कहते हैं श्री प्राणनाथ जी धाम के धनी है, श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद है, श्री प्राणनाथ जी मेहंदी का स्वरूप है और श्री प्राणनाथ जी ही आखिरी ईसा है। और इनके नाम लेने से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और यही धाम के धनी समस्त सुंदर साथ की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इन बात कई गावत होए के मन मगन, कई साथी संग गावत साथ सूरज मन। कहते इस प्रकार आरती का गायन सबने मगन होके किया और सूरज मन भाई ने भी। इन बात आरती समय कई विध होत कलोल, हाय गए बंगले न सुनत कोई सुख नहीं इन तोल। कहते इस समय आरती के समय बड़ी हंसी मजाक आनंद होता है और इतना शोर मचा होता है आरती के समय में कि किसी की भी आवाज स्पष्ट रूप में सुनाई नहीं देती, है ना। और इस समय के सुख की तो कोई तुलना किसी के साथ की नहीं जा सकती, क्योंकि जब धाम के धनी की आरती उतारी जा रही है ना सुंदर साथ जी। श्री बंगला जी की आरती का दर्शन कर लिया आपने सबने अच्छे से। सिरजी साहिब जी सिंहासन के ऊपर बैठे, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने गादी पर खड़े होके और 32 खंड वाली आरती सोने के थाल में रख के उतारी और बाकी सभी अपनी अपनी आरतियां लेके खड़े। और कितनी सुंदर ढोलक बजी, झांज बजे, घड़ियाल बजे, ताल बजे, है ना, कितनी आनंदकारी आरती उतारी। एक पहर रात लो होते ए मनुहार, कोई आवत कोई जात है कालो कहूं प्रकार। कहते एक पहर तक तो ये मनुहार चलता रहा, है ना। कोई सुंदर सा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई इस समय जा रहे हैं, तो उस लीला का वर्णन स्वामी लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, मैं कहां तक करूं। सिंहासन बाई जी जुगल स्वरूप शोभाए, आनंद स्वरूप सुतेज को कालो कहूं बनाए। कहते सिंहासन पर श्री बाई जी के विराजमान हो जाने से जुगल स्वरूप की अनुपम शोभा हो जाती है, स्वामी लालदास जी महाराज फरमाते हैं। फिर तो जुगल जुड़ी झलझलकार करती है और तेज से परिपूर्ण इस आनंदमय स्वरूप की शोभा का वर्णन स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि मैं कहां तक करूं। श्री मामत कहे साथ जी भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। स्वामी लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि अब छठा पहर आ गया सुंदर साथ जी, 9 से 12 बजे का समय है और 9 से 12 बजे के समय में सिरजी साहिब जी तखत पर बैठ के वाणी चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आप भी तो जय बोल दो। अब कहो पैर छठे की जित चर्चा होता है हक, बैठे सुनत जमात जो खास गिरो बुजरक। कहते अब छठे पहर की बात सुना रहे हैं जिस चर्चा होता है हक। अब अक्षरातीत परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन होगा और बैठे सुनत जमात। कहते जो सुनते ही जागृत हो गई, खासल खास ब्रह्म सृष्टि इस समय बैठती है, खास गिरो बुजरक, खासल खास 500 सुंदर साथ इस समय चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। सात समय बंगले मिनी बैठे हुए सन्मुख, केशवदास बानी पढ़े कयो न जाए सुख। सारा सुंदर साथ बैठा है,
लेकिन खास खास 500 सुंदर साथ हैं, वो आगे आगे बैठे हैं। केशव दास जी इस समय वाणी पढ़ रहे हैं, कुरान हदीसा पढ़ने पांचने बैठत हैं दास लाल, गोकुल दास पढ़त हैं करने राज खुशहाल। कुरान और हदीसा पढ़ने के लिए लाल दास जी बैठते हैं और गोकुल दास जी सर जी को रिझाने के लिए बैठते हैं। एक चर्चा होत है चौपसो बरखा होत अद्वैत, रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। कहते शिव जी के मुखारविंद से यहाँ अति आनंदमय चर्चा हो रही है और जिसमें अद्वैत अखंड परम धाम की वाणी का बारिश कर रहे हैं सिर जी साहिब जी। और श्री प्राणनाथ जी अपनी मीठी वाणी से जब चर्चा करते हैं तो संसार के सारे द्वैत खत्म हो जाते हैं, अद्वैत की बारिश होती है, एक दिली सब सुंदर साथ के अंदर भर देते हैं। मुरलीधर सन्मुख बैठत पलक न मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैन। कहते मुरलीधर भाई सामने बैठ जाते हैं, पलक न मारत नैन, कहते पलक ही नहीं झपकते, सिरजी साहिब जी के नेत्रों में नेत्र डाल के बैठते हैं। याद रखना कल प्रश्न आ जाएगा, है ना, कौन नेत्रों में नेत्र डाल के बैठ रही हैं? मुरलीधर भाई। और पलक भी नहीं झपकते, मुख सो मुख सन्मुख, और ऐसी जगह पे आसन लगाते हैं जहां से श्री प्राणनाथ जी तखत पर बैठे हुए साक्षात उनका दीदार होता रहे और श्रवण सुने मुख बैन, और कानों से एक एक शब्द का रसपान करते हैं। एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ, और दुर्गबन पिछल जाके धनिये पकड़े हाथ। कहते एक साइड में महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं और एक साइड में देवकरण जी बैठे हैं, दुर्गबान पिछल पीछे बैठे हैं जिनके धाम धनी ने हाथ पकड़ लिए हैं। और चंद्र हंस आवत और शाहरूप, देव शर्वना कहते स्वरूप सुंदर रूप। कहते शिव जी की चर्चा सुनने के लिए चंद्र हंस शाहरूप ये राज दरबार के पदाधिकारी हैं, सब आ रही हैं। जब शिव जी जुगल स्वरूप का अनोखा वर्णन करते हैं ना तो एकाग्र मन से बैठ के सुनते हैं। और किशोरी आवत बैठे चर्चा में, झाड़ू देत बंगले मिने सोबत देवकरण से। कहते किशोरी सिंह जी भी आकर चर्चा नियम से बैठ के सुनते हैं और देवकरण जी की संगति में रहकर वे श्री बंगला जी में झाड़ू भी लगाते हैं। किशोरी सिंह जी देखिए सुंदर साथ जी, राज दरबार के राजकुमार श्री बंगला जी दरबार के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि झाड़ू लगाने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। धनी कहते तुम मेरे मंदिर को साफ करो, झाड़ू पोछा लगा के मैं तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर को साफ कर दूंगा, है ना। जो सुंदर साथ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, उनको अपना हृदय कैसे पाक हो, कैसे पवित्र हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। धाम के धनी उनके हृदय को स्वयं पाक पवित्र कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अमान राय पर्वत सिंह और नारायण दास और सकत सिंह आवत और जगत सिंह खास, हमेशा दुर्गबान के लौंगे आवत दोए, एक रुपया रसोई को पंचावत है सोए। कहते अमान राय पर्वत सिंह नारायण दास शक्ति सिंह जगत सिंह ये विशेष रूप से राज दरबार का पूरा परिवार आके वाणी चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं और दुर्गबान जी के यहाँ से हमेशा दो लौंग आते हैं और एक रुपया रसोई के लिए आता है। देखिए सुंदर साहब जी, अगर दो लौंग और एक रुपया सिरजी साहिब जी बीतक में लिखना नहीं भूले तो विचार कीजिए सुंदर साहब जी, हम सुंदर साहब जो सेवा करते हैं और अगर गुप्त रूप में की वो सेवा, क्योंकि छिपके साहिब कीजिए याद खासल खास नजीकी स्वार, जो छिपके सेवा करते हैं सुंदर साहब तो उनकी बात धाम धनी के हृदय में लिखी जाती है और धनी उसे बार बार याद करते हैं। अब दो लौंग और एक रुपया दुर्ग भान का 400 सालों से गाया जा रहा है कि वो इतनी सेवा देते थे, है ना सुंदर साहब जी। तुलाराम सेवा मिनी आवत दर्शन को जब, प्रणाम करके बैठत है चर्चा सुनत है तब। तुलाराम जी भी दर्शन करके सिर जी का और चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। अब सब सुंदर साथ के नाम है सुंदर साथ जी, तो आप सुनते जाएं। प्रेम जी पीताम्बर और मुकुंदास, गोकुल केशव बैठत और जयंती खास, और सूरत सिंह मकरंद और मौनी गिरधर,
भगवान शिवराम सदानंद और बैठे गिरधरियों कर और शेख बदल बैठत और लाल खान मिहीन पठान खान बैठत और अवल खान सुने कान और नूर मोहम्मद और चंचल दया राम और नाथा ठाडा रे पावे चर्चा में आराम टेक चंद वली बांसो और धुंधराए पोकरण दास भी आवत गोविंद राय बैठत आए केशव दास मोदी बैठत बैठे दूजा मुरलीधर या माव जी नित आवत मोहनदास बैठे इन पर मूल जी मामा बैठत और काका बैठन हार संत दास सेवा मिने गंगाराम बैठे खबरदार और घनश्याम बैठत कबु नाना भी आवत छतई भी सुनत है और सुखदेव भी बैठत और ये बहुत सारे सुंदर साथ इस समय चर्चा के अंदर बैठे हैं और स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद कोई आवे मर्जाद में कोई परवा के सनंद कहते हैं कुछ सुंदर साथ निष्ठा बंद होके आते हैं कोई मर्यादा के साथ आते हैं भाई आना है और कोई कभी आए कभी ना आए बेपरवाह होके आते हैं कोई सुनत है पुष्ट में कोई सुने मर्याद कोई पक्का पूरी की पूरी जहां से चौपाई शुरू हुई वहां से लेके पूरी सुननी है और कोई मर्यादा के साथ सुनते हैं कि निष्ठाबंद होके सुन रहे हैं है ना कोई मर्यादा का पालन करने के लिए सुनता है कोई परवाह में बहकर इस वाणी चर्चा को सुनता है ना और कोई ग्रह तय पुष्ट में कोई ग्रह मर्याद कोई परवाह में लेते हैं अभी तक को इनके बाद कहते कोई पुष्टि भाव से चर्चा के अर्थ को ग्रहण करता है ना और उनकी आत्मा को सुकून मिलता है तो कोई मर्यादा निभाने के लिए भावना से इस चर्चा को सुन लेते हैं और कोई देखा देखी सुनने के लिए आकर बैठ जाते हैं उनके कान तो है ही नहीं है ना और कुछ ग्रहण कुछ सुन तो लेते हैं पर ग्रहण नहीं कर पाते एक पांव भरे पुष्ट में दूजे मर्याद में कदम एक तो पक्के पुष्ट होके सुन रहे हैं दूजे मर्यादा के साथ जाते हैं और एक परवाह में पांव भरे सो सौंपे आत्म तीन प्रकार की सृष्टि है ना सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि तो पुष्ट होके सुनेगी पक्का और ईश्वर सृष्टि मर्यादा का पालन करेगी और जीव सृष्टि कभी गए कभी नहीं गए तो कहते हैं जो एक एक के तीन तीन तीनों के नव फेर बांटे तीन मेरे 27 का यो कर कहते इस प्रकार के स्वभाव वाले तीन स्वभाव वाले ये श्रोता की गिनती आ जाती है जो नौ हो जाते हैं क्योंकि एक के अंदर तीन है ना तो तीन में एक के अंदर पुष्ट मर्याद परवा तो फिर ये नौ हो जाते हैं और नौ फिर नौ को तीन से कर देते हैं तो 81 हो जाते हैं फेर के बांटे तीन में ताकि 81 भय पक्ष और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के उन पर अलग कहते सप्त रजतम के भेद और उनके 81 पक्ष हो जाते हैं और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का है 83वां पक्ष कबीर जी का है और 25 पक्ष परम धाम के हैं तो लाडले सुंदर साथ जी ये हमारे 108 पक्ष हो जाते हैं इसके अंदर 9 प्रकार की भक्ति वाले 3 प्रकार के गुणों वाले 9 प्रकार की भक्ति वाले है ना तो 9 प्रकार की भक्ति वाले जो सुंदर साथ होते हैं उनको भी इनके अंदर जैसे उसके अंदर आता है श्रवण मनन अलग तरह की 9 प्रकार की भक्ति है उस 9 प्रकार की भक्ति को 3 से गुना कर देते हैं तो 81 हो जाते हैं और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का और 83वां पक्ष कबीर दास जी का और 25 पक्ष परम धाम के हैं हैं ए 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहुत पर सो हिसाब में ना आवी कहो सहयोग की खातिर कहते ये 25 पक्ष की बात तो बहुत बड़ी है जिन आत्माओं की नजर अखंड श्री परम धाम के अंदर पहुंच गई सो हिसाब में ना आवी उनका तो फिर कोई हिसाब किताब है ही नहीं कहो सहयोग की खातिर ये तो सुंदर साथ के लिए वर्णन कर रहे हैं तामे सात घाट धाम के और जमुना जी पुल धोए दसो भौ मौन रजत देखो साथ तुम सोए कहते 25 पक्ष के अंदर क्या क्या आता है सुंदर साथ जी तामे सात घाट धाम के कहते उसके अंदर सात घाट आ जाते हैं केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट और जमुना जी के दो पुल आ जाते हैं केल का पुल और बट का पुल आ जाता है दसो भौम मौल राजत और दस भौम और 11वीं आकाशी है और कहते वो रंग मोहल की शोभा को देखिए और महल 24 हास को बड़ी नहरें और जोए
और तलाब मानिक चार हार हवेली सोए और कहते हैं रंग महोल की दक्षिण दिशा के अंदर सुंदर साजी 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कोसर तालाब आया है और हौज कोसर तालाब के बाद 24 हांस का महल आया है और 24 हांस के महल की 24 नहरें निकल रही हैं, 24 फुहारे निकलते हैं, 24 नहरों कुंड में गिरते हैं, फिर उसकी 24 आगे नहरें चलती हैं और तालाब मानिक चार हार हवेली होए और दक्षिण दिशा के अंदर मानिक पहाड़ आया है। ये तो अब हम परिक्रमा ग्रंथ पे चर्चा करने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी 12 तारीख को सुबह हम मृतक का भोग डालेंगे। लाडले सुंदर साथ जी 12 तारीख को सुबह 9 बजे मृतक का भोग डालेंगे। तो समस्त सुंदर साथ प्रातःकाल 8:30 बजे का समय ठीक है सुंदर साथ जी, या 9 का जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट कर देना। तो प्रातःकाल 8:30 बजे हम मृतक की जितनी चौपाइयां रह रही होंगी उसका वर्णन करके और फिर मृतक का भोग डालेंगे 12 तारीख को प्रातःकाल 8:30 बजे। और फिर सुंदर साथ जी 12 तारीख को रात से ही परम धाम की परिक्रमा ग्रंथ की आधे घंटे की चर्चा शुरू हो जाएगी 9:30 से 10, ताकि हमारी कड़ी टूटे ना, नियम टूटे ना, वो बना रहे, है ना सुंदर साथ जी। तो परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा सिरजी साहब जी भी रात के समय कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी दरबार के अंदर 9 बजे रात को चर्चा शुरू होती है और बड़े आनंद के साथ समस्त सुंदर साथ इन 25 पक्ष का वर्णन सुनते हैं। तो अभी भी तो सुनाने वाले हृदय में बैठ के स्वयं सिरजी साहिब जी ही सुनाएंगे, तो अपनी भी परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का समय रात को 9 बजे रहेगा, 9 से 9:30 बजे तक परिक्रमा ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे और 12 तारीख को सुबह 8:30 बजे हम मृतक वाणी चर्चा करने के बाद मृतक का भोग डालेंगे 12 तारीख को। भूल मत जाना सारे सुंदर साथ और कहीं सोए मत रह जाना कि आपको याद रहे कि 12 तारीख को रात को तो आधे घंटे की परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी, है ना। तो प्रातःकाल का समय आप मुझे कमेंट करके बता देना कितने बजे का समय रखें, क्योंकि अपने पास अभी एक दिन और है, ठीक है सुंदर साथ जी। सभी बता देना कि सुबह 12 तारीख को सुबह 8:30 बजे से मृतक की चर्चा होगी और मृतक की चर्चा होने के बाद भोग डाला जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। और फिर 12 तारीख रात को 9 से 9:30 बजे तक रोज आधे घंटे के लिए परिक्रमा ग्रंथ की वाणी चर्चा का हम समस्त सुंदर साथ रसपान करेंगे, आनंद लेंगे। सुनोगे ना सुंदर साथ जी, नियम तो नहीं तोड़ोगे ना अपना, क्योंकि आप सुन रहे हो तो धनी सुना रहे हैं। आपकी चाहत को देख के, आपकी प्यास को देख के, आपकी तड़फ को देख के तो धनी सिरजी साहिब जी 6 अप्रैल से हमें ये आनंद दे रहे हैं और धाम धनी का हुक्म रहा तो ये चर्चा धनी की कृपा से हो रही है, करने वाले धाम के धनी है, हमारा दिल तो है हमेशा ही चलती रहे। और हम आधा घंटा की खुराक डोज अपनी आत्मा को रात को देके सोएं, ताकि रात के समय हमारी चित्तवृत्ति धनी के चरणों में जुड़ी रहे, परम धाम का वर्णन सुन के और हम फिर उसके बाद सो जाए, है ना सुंदर साथ जी। तो 9:30 से 10 बजे तक रात को परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी और 12 तारीख को सुबह 8:30 बजे मृतक का भोग डाला जाएगा, कोई भूल मत जाना और हो सके तो सबको बता देना, ठीक है सुंदर साथ जी। अभी हम चौपाई दर दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो साथ तुम सोए तामे सात घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए दसों भूम मोहल राजत। देखो साथ तुम सोए, देखो साथ तुम सोए,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता भी चल रही है साथ साथ में, और वो भी वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस पे चर्चा हो रही है। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना था ना, उसी में से प्रश्न है, सिरजी साहिब जी के बाल काटने की सेवा कौन सुंदर साथ किया करते हैं? सिरजी साहिब जी के बाल काटने की सेवा कौन सुंदर साथ किया करते हैं? और सिरजी साहिब जी के लिए चंदन का तखत किसने बनवाया था? सिरजी साहिब जी के लिए चंदन का तखत किसने बनवाया था? ये है सुंदर साहिब जी आज के प्रश्न, और कल के प्रश्नों के उत्तर थे श्री छबील दास जी और आसवाई लालदास जी ने चांदी का थाल बनवाया था, और उस थाल में 10 कटोरियां थाल राजभोग के अंदर रखी जाती है जब राजभोग लगता है। और कल की विनर है सुंदर साथ जी शेफाली जी खेत्रपाल, शेफाली जी खेत्रपाल जो जयपुर निवासी, जिनके पिता श्री जी श्री चिमन लाल जी तनेजा और आशा जी तनेजा की पुत्री शेफाली जी खेत्रपाल, हमारी शेफाली जी के ऊपर हमारे सतगुरु जी की महाराज श्री ज्वारदास जी की धाम धनी की अपरंपार कृपा बरस रही है। वो एक धाम धनी की ऐसी सुहागिन है जो धनी के इश्क लाड प्यार के अंदर डूबी रहती है, और धाम धनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धाम धनी हमारी शेफाली के ऊपर और भी दिन रात अपने इश्क की बारिश करते रहें। और शेफाली जी आपको धाम धनी जी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सुंदर साथ जी ये आप भी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना कि बीतक का भोग कब डाला जा रहा है, और फेसबुक पे भी डाल देना ताकि कोई सुंदर साथ जिन्होंने इतने टाइम से बीतक सुनी वो कोई भी रह ना जाए बीतक के भोग के समय में, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, वो ये ना सोच लें कि बीतक का भोग भी रात को 12 रात का टाइम होगा 12 तारीख को। तो याद रखना प्रातः काल का समय 8:30 का रहेगा, तो समस्त सुंदर साथ आप शामिल हो जाना, क्योंकि पूरी बीतक सुनने का लाभ तब मिलता है जब हम भोग भी डालते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी।